बच्चे देश का भविष्य होते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें हमने नेताओं के भाषणों में सुनी हैं और किताबों में भी पढ़ी हैं। बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं रखना चाहिए, ऐसे कई जुमले भी हमने सुन रखे हैं। लेकिन सीएम सिटी में छोटे बच्चों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वह बिल्कुल इसके उलट है। मंगलवार को चाइल्ड वेलफेयर की कमेटी ने जब शहर का दौरा किया तो ऐसे 7 बच्चे काबू किए जो कि बाल मजदूरी से संबंधित थे। इनमें से 3 बच्चे अपना सामान बेच रहे थे तो 4 बच्चे विभिन्न दुकानों पर काम कर रहे थे। कमेटी के सदस्यों द्वारा सभी 7 बच्चों को काबू किया गया और अपने कार्यालय में लाया गया। हालांकि सभी बच्चों को जमानत पर छोड़ दिया गया है, लेकिन आगामी कार्रवाई कमेटी अमल में ला रही है। आपको बता दें कि यदि छोटे बच्चों से काम लिया जाता है तो इसके लिए सजा का प्रावधान है। बावजूद इसके लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब इसके पीछे बच्चों के अभिभावकों की मजबूरी कहा जाए या फिर उन्हें देने वाला पैसे का लालच, कारण चाहे जो भी हो, बाल कल्याण समिति अब एक्शन के मूड में है। समिति के चेयरमैन उमेश चांदना ने बताया कि अभी बच्चों को छोड़ दिया है, लेकिन बाल मजदूरी के पीछे यदि दुकानदार या फिर अभिभावकों का हाथ हुआ तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा समिति अब ऐसे बच्चों पर नजर रखेगी जो भिक्षा मांगने का काम करते हैं। यदि ऐसा कोई गिरोह जो कि बच्चों के साथ अत्याचार करता है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि मैं आज जिस गंभीर विषय पर आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूं वो बेहद ही संगीन और बेहद ही गंभीर मामला है और वो हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है, बच्चों को देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अगर वो रीढ़ की हड्डी ही कमज़ोर हो गई, अगर देश का भविष्य कमज़ोर हो गया तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे काम चलेगा। एक तरफ सरकार हमारे को कहती है कि बच्चे देश का भविष्य हैं, बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, बच्चों को हर चीज़ का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन हमारे करनाल जिले जिसे कि सीएम सिटी भी कहा जाता है, यहाँ पर कुछ ऐसे मामले रोज़ यानी कि प्रतिदिन सामने आ रहे हैं जिसे सुनकर रूह भी कांप उठती है। और जब सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है वो है बच्चों से काम करवाने का। मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले भी समाचार एक्सप्रेस ने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें यह कहा गया था कि यदि आपने छोटे बच्चों से काम लिया तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। लेकिन बावजूद इसके करनाल के कुछ लोग और करनाल के कुछ ऐसे अभिभावक जो अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर में यानी कि बाल मजदूरी में धकेल रहे हैं, वह सबक सीखने का नाम नहीं ले रहे। उनको सबक सिखाने के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम ने आज करनाल में ऐसा काम किया है कि जो कि काबिल तारीफ है। मैं आपको बता दूँ कि आज दिन भर की कार्रवाई में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम ने 7 ऐसे बच्चों को रेस्क्यू किया है जो कि बाल मजदूरी कर रहे थे। इसमें से 3 बच्चे ऐसे थे जो कि खुद अपना सामान बेच रहे थे, जबकि 4 बच्चों को दुकानों से मुक्त करवाया गया। हालांकि इन सभी 7 बच्चों को अभी जमानत पर छोड़ दिया गया है, लेकिन आगामी कार्रवाई के लिए CWC ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसमें बच्चों के अभिभावकों के साथ साथ ऐसे दुकानदार जो इन बच्चों से काम ले रहे थे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। मैंने जैसे आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि 14 साल से कम उम्र से बच्चों को लेकर जो भी काम लेगा उनके लिए 5 साल की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। वो छोटे छोटे मासूम बच्चों से कोई चाय की दुकान पर, कोई छोले भटूरे की दुकान पर, तो कोई पॉलिश की दुकान पर, तो कोई किसी ढाबे पर उन बच्चों से काम ले रहा है। आज ऐसे 7 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है जिन्हें भी जमानत पर छोड़ दिया गया। मैं एक बार फिर से कहूँगा कि उन बच्चों को जमानत पर छोड़ दिया गया है, लेकिन उनके माँ बाप और वो दुकानदार इस बात से कतई ही चिंता मुक्त ना हो कि उनके खिलाफ़ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि बाल कल्याण समिति यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC अब कड़ी कार्रवाई के मूड में है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इससे पिछली रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि किस तरह 2019 में 500 कुछ बच्चों को रेस्क्यू किया गया था, जिसमें से अलग अलग कैटेगरी के बच्चे थे। कुछ लोग घर से भागे हुए थे, कुछ लोग चाइल्ड लेबर के थे, कुछ लोग भीख मांगने वाले थे, तो कुछ लोग ट्रैफिकिंग के थे। उन सब बच्चों में से 529 बच्चों को 574 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था। 529 बच्चों को उनके परिजनों को हैंडओवर कर दिया गया था, जबकि कुछ बच्चों को CCI में भेज दिया गया था, तो कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही थी। लेकिन
जिस तरह से आज CWC ने कार्रवाई की है वो काबिले तारीफ है। मात्र आज के दिन में केवल एक ही दिन में 7 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से 3 बच्चे अपना काम कर रहे थे और अपना सामान बेच रहे थे और 4 बच्चे विभिन्न दुकानों पर लगे थे। CWC की टीम ने उन बच्चों को रेस्क्यू किया है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, क्लियर कर देता हूं इस बात को समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से कि CWC अब इस मामले में एक्शन के मोड पर है। जो उनका अगला मकसद ये है कि जो चौक चौराहे पर अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों से भीख मंगवाते हैं या फिर ऐसा कोई सेक्स रैकेट, ऐसा कोई गिरोह जो कि बच्चों से भीख मंगवाने का काम करेगा या कोई भी व्यक्ति ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जिसमें से बच्चों के ऊपर, जिसमें नाबालिग बच्चों के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी आँच आती हो तो उन्हें किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि उन्हें किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा, उनके लिए सख्त कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। हमने कुछ दिन पहले भी आपको ये रिपोर्ट के माध्यम से बताया था किस उम्र के बच्चों से किस तरह काम लिया जा सकता है और अगर वो इससे ज़्यादा काम लेते हैं उनके लिए किस तरह की कार्रवाई का प्रावधान है। आज जो 7 बच्चे पकड़े गए हैं अभी फिलहाल उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया है। अब आगामी कार्रवाई के लिए CWC अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन आगे क्या होगा, उनके अभिभावकों पर क्या कार्रवाई होगी और जो दुकानदार उनसे काम ले रहे थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, वो आने वाला समय ही बताएगा। चाइल्ड लेबर रोकने के लिए जो अभियान चलाया गया है आज क्या सफलता प्राप्त की है, क्या बताना चाहेंगे? चाइल्ड लेबर रोकने के लिए क्राइम ब्रांच और चाइल्ड लाइन को निर्देश दिए गए थे। आज हमारे CWC से श्रीमती निरुपमा सदर जी के नेतृत्व में उन्होंने अपना अपना काम किया है और 7 बच्चों को रेस्क्यू किया है। कहां से किए? अलग अलग दुकानों से किए गए हैं जी। तो अब क्या कार्रवाई की जाएगी उन लोगों पर? उनके ऊपर जो भी संबंधित कानूनी धाराएं लगती हैं वो सब उनके ऊपर भेजने की अनुशंसा की जाएगी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा। जो चाइल्ड वेलफेयर का काम है वो यही है कि कोई भी बच्चा वहाँ चाइल्ड लेबर ना करे। इसके अलावा साथ में उनको ये भी निर्देश दिए गए हैं कि अगली बार वो भीख मांगते हुए बच्चों पर ज़्यादा फोकस भी करें। भीख मांगने वाले बच्चे भी ये सावधान हो जाएं, भीख मांगने वाला अगर कोई रैकेट है कि हम लोग भीख मांगने वालों को भी रेस्क्यू करेंगे। हम लोग शहर में गए थे आज करण गेट मेन रोड पे, GT रोड गुड़ मंडी और नेहरू पैलेस के सामने, वहाँ पर से हम बच्चों को लाए हैं। 3 बच्चे जो थे वो सामान बेच रहे थे और बाकी हम दुकानों से लेकर आए हैं बच्चों को, उनको समझा के कि उन्होंने काम नहीं करना। कितने बच्चे किए हैं? टोटल 7। तो अब क्या कार्रवाई की जाएगी? आज तो हमने बच्चों को भेज दिया उनको जमानत के तौर पे उनके घर से, जो भी उनको लेने के लिए आया है। आगे की कार्रवाई जैसा भी होगा वैसे की जाएगी। CWC ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी तरह से बच्चों पर अत्याचार नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि CWC का मकसद यही है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का मकसद यही है कि बच्चों के कल्याण के लिए जो कमेटी बनाई गई है वो बच्चों के कल्याण के लिए बनाई जाएगी। मैं तरुण उमदान, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.